हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लोकेश और आप सभी का एसएससी बुलेटिन में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। जैसे कि हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल स्टार्ट किया था, मैंने बोला था कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में कुछ तो भी बेसिक एलिमेंट होते हैं, जैसे होता है इंडक्टर होता है, रेजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है। तो हमने रेजिस्टर और इंडक्टर को देख लिया, बराबर है। तो मैंने बोला था कि जो इंडक्टर है वो इंडक्टर कहाँ पे यूज होता, मैग्नेटिक सर्किट में, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, इंडक्टर को यूज करते। तो मैग्नेटिक सर्किट की तो बात हो गई भाई, रह गई इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात। क्योंकि जब भी हम कुछ मशीन डिजाइन करते हैं, इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करते हैं या कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन करते हैं, तो उसमें जनरली दो सर्किट आते हैं, एक आता है मैग्नेटिक सर्किट, दूसरा आता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो मैग्नेटिक सर्किट का तो जो प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व कर लिया, बराबर। अगर आपको कुछ एनर्जी स्टोर करनी है तो हम किस में स्टोर करेंगे, इंडक्टर में स्टोर करेंगे, बराबर है। रह गई भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात, यानी आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड को क्या करना है, स्टोर करना है। तो उसको लिए कुछ तो भी इंस्ट्रूमेंट होगा ना, कि जिसमें हम इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या करें कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टोर करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं, बराबर है। लेकिन ये कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर क्या होता है, दो पैरेलल प्लेट होते हैं, यानी दो कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट होते हैं, उसमें उसके बीच कुछ तो भी गैप होता है। उस गैप को क्या बोलते हैं हम, उस गैप को बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। यानी जो भी हम चार्ज पास करेंगे, जो भी हमको एनर्जी स्टोर करना है, वो एनर्जी किसमें स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर होती है इस गैप में, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, बराबर है। सो जो कैपेसिटर का जो सिंबल होता है, सिंबल ऐसे होता है, दो पैरेलल प्लेट होते हैं और उसके बीच में क्या होती है, थोड़ी गैप होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। कैपेसिटर का क्या होता है, एक जो होता है पॉजिटिव प्लेट होती है, दूसरी जो होती है निगेटिव प्लेट होती है, बराबर है। तो इस कैपेसिटर को क्या करना है, अपन को चार्ज करना है, उसमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्या हो जाता है, चार्ज क्यू, यानी आपको क्या करना है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करना है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करना है यानी क्या, अपन को जो चार्ज है क्यू, क्यू को क्या करना है, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या करना है, उसको स्टोर करना है, ठीक है। लेकिन मान लो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर हमने इसको पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई किया, यानी सप्लाई अप्लाई किया, और इधर निगेटिव अप्लाई किया, तो क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बराबर। क्योंकि सेम पोलैरिटी क्या होती है, रिपेल होती है, अपोजिट पोलैरिटी क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। मान लो अगर आपको इस कैपेसिटर को चार्ज करना है, तो चार्ज करना है यानी कि आपको क्या करना है, उसमें क्यू चार्ज क्या करना है, स्टोर करना है, बराबर है। सो इस चार्ज को अपन को इसमें स्टोर करना है, इस चार्ज को यहां से यहां तक क्या करना है, लाना है, ठीक है। उस लाने को कुछ तो भी एनर्जी लगेगी, कुछ तो भी फोर्स लगेगा, उस फोर्स और एनर्जी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम जनरली कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, बराबर है। सो दैट क्या हो गया, अपन को क्या करना है, क्यू जो चार्ज है उसको क्या करना है, स्टोर करना है। उस चार्ज को स्टोर करने के कुछ तो भी एनर्जी लग रही है, कुछ तो भी फोर्स लग रहा है, वो क्या हो गया, कैपिटल वी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। सो दैट क्या हो जाएगा, जो Q एंड V है क्या हो गया, एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, बराबर है। यानी अपन को इस Q, अगर मान लो अगर आपको इस Q चार्ज को स्टोर करना है, तो आपको क्या लगेगा, V अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा स्टोर करने के लिए। सो दैट क्या हो जाएगा, Q एंड V क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इच अदर। सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, लेकिन इस Q को क्या कर रहे हैं, हम स्टोर कर रहे, कैपेसिटेंस में स्टोर कर रहे, सो क्या हो जाएगा, C, बराबर है। सो इक्वेशन क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू C इनटू V, बराबर है। लेकिन जो C की वैल्यू रहती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू रहती है, वो क्या रहती है, हर एक कैपेसिटर की क्या रहती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या रहती है, डिफरेंट डिफरेंट रहती है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की हर एक की कैपेसिटी क्या है, अलग अलग है। कोई जो है कोई ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है, कोई क्या कम एनर्जी स्टोर करता है, वैसे ही क्या होता है, जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस भी वैरी होता है अकॉर्डिंग टू मटेरियल। सो दैट क्या होता है, जो कैपेसिटेंस यानी सी की जो वैल्यू होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सी इन टू वी, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी ने बोला कि भाई तेको कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो आपके पास चार्ज यानी क्यू एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, गिवन होनी चाहिए। उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल सकते। सो दैट क्या हो जाएगा, अगर आपने इस वी को क्यू के डिनोमिनेटर में लाया, तो क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी। सो इस इक्वेशन से अपन को क्या हो जाएगा, अपन को कैपेसिटेंस की वैल्यू
मिल जाएगी। बराबर है, ये तो हो गई पूरी कैपेसिटर की बात है ना। कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर कुछ नहीं करता, स्टोर द एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर कर रहा है, यानी क्या हो गया क्यू। किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोर्स। फोर्स यानी क्या हो गया? वी। सो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, एंड कैपेसिटेंस क्या हो गया? सी। सो क्या हो गया? क्यू इज इक्वल टू सी इन टू वी। ये पूरा आपका क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। लेकिन आपको क्या करना है? कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालना है सी। सो क्या हो जाएगा? सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। बराबर, ये हो गया कैपेसिटर। अगर इसका कुछ तो भी यूनिट होगा ना, जैसे रेजिस्टर का है ओम, वैसे कैपेसिटर का उसका कुछ तो भी एक यूनिट होगा। तो आपको पता है चार्ज को हम, चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट होता है कूलम। बराबर है, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? होल्ट। सो जो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? कूलम्स पर होल्ट। ये हो गया कैपेसिटेंस का यूनिट। लेकिन हम इस कूलम पर होल्ट को और क्या बोल सकते? फैराड बोल सकते। बराबर है, यानी कैपेसिटेंस का यूनिट क्या हो गया? फैराड। ये तो होगा भाई थेरोटिकल यूनिट कैपेसिटर्स का, ये तो हो गया थेरोटिकल यूनिट। लेकिन जब भी आपको, अपन को इस कैपेसिटर को प्रैक्टिकल में यूज करना है, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए परचेस करना है, तब हम इसको फैराड में परचेस नहीं करते। क्योंकि जब भी हम शॉप में जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि भाई हमको कैपेसिटर चाहिए, तो हम उसको, हम डायरेक्टली नहीं बोलते कि भाई हमको 50 फैराड का कैपेसिटर चाहिए, 30 फैराड का कैपेसिटर चाहिए। हम उसको क्या बोलते हैं कि भाई हमको 30 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर चाहिए, 20 पिको फैराड का कैपेसिटर चाहिए। यानी जो पिको और माइक्रो क्या हो गए, उसके वो प्रैक्टिकल यूनिट हो गए। लेकिन जब भी हमको उस कैपेसिटर को प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज करना है, तब हम कैपेसिटर को पिको और माइक्रो फैराड में बोलते। बराबर, यानी कैपेसिटर का यूनिट क्या हो गया? कैपेसिटर का थेरोटिकल यूनिट हो गया फैराड। ये तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट है और थ्योरेटिकल यूनिट है। लेकिन रह गई भाई प्रैक्टिकल की बात, क्योंकि इस कैपेसिटर को हम बहुत जगह यूज करते हैं। सो इसका प्रैक्टिकल यूनिट भी हमको पता रहना इंपॉर्टेंट है। सो जो कैपेसिटर का प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है? एक तो होता है माइक्रो फैराड, नहीं तो होता है पिको फैराड। ये तो हो गया कैपेसिटर्स के बारे में पूरा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कैपेसिटर की, वो क्या होता है? स्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है। यानी ये कैसा है? चेंज नहीं होती रहती, जो एनर्जी स्टोर हो रही है कंटिन्यूअसली चेंज नहीं होती विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हम इसको, जो इसने जो एनर्जी स्टोर की, उसको क्या बोल सकते हैं? हम स्टैटिक एनर्जी बोल सकते हैं। सो आज के वीडियो में हमने पूरा कैपेसिटर्स के बारे में देखा, यानी कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर कौन सी एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर को यानी एनर्जी कौन सी स्टोर करता है, क्यू, एक क्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सब हमने आज के वीडियो में देख लिया। ठीक है, थैंक यू।